मेरे मुझ पम्मट कण वेर मन सिखा पदंग समाधियामी चुरा मेरे मुझ पम्मट कण वेर मन सिखा पदंग जातक कथा नंबर 252 तिल मुट्ठी जातक मतलब तिल जो होते हैं खाने के सफेद रंग के आपने देखा होगा काले रंग के सफेद रंग के तिल और तिल का तेल और तिल मुट्ठी का मतलब है मुट्ठी भर तिल या एक मुट्ठी भर के जो तिल है उसकी ये कहानी उससे उत्पन्न हुई है उससे इसकी जाति बनी है उससे इसकी जात बनी है उससे ये जातक बनी है। जो वाराणसी है जो बनारस है जो जहां भगवान बुद्ध ने पहला धम्म का उपदेश दिया सारनाथ वहां के एक राजा ने अपने बेटे को तक्षला के अंदर पढ़ने के लिए भेजा साथ में कुछ पैसा भी दिया ताकि तक्षला की जो जरूरत है खर्चा है वो चल सके। वहां जाके जो राजकुमार था उसने वहां के जो आचार्य थे जो आचार्यों थे जो वहां के प्रिंसिपल थे जो वहां के वीसी थे वाइस चांसलर थे उनसे मिला जाके उसने पढ़ने की इच्छा अपनी बताई और पैसा उनको दिया जो पैसा उसके पिता ने दिया था तक्षशिला को चलाने के लिए। वहां उसकी शिक्षा आरंभ हुई जो उसके आचार्यों थे जो उसके टीचर थे वो उसको पढ़ाने लगे। राजकुमार चूंकि तरुण था और राजकुमार ऐशो आराम में पला हुआ था इसलिए उसको लगता था कि जैसे उसके सारे वहां सारे नौकर चाकर हैं और सब उसकी आज्ञा मानते हैं वैसे ही तक्षशिला में भी सब उसकी आज्ञा मानेंगे यहां कौन उसको मना करेगा। मन में उसके यही बात थी कि वो राजा का बेटा है राजकुमार है मन जैसा बन जाए वैसा रहता है बदलने में टाइम लगता है समय लगता है कुछ समझदार चतुर लोग जैसा देश वैसा भेष हो जाते हैं कुछ नहीं हो पाते राजकुमार नहीं हो पाया। तो एक बूढ़ी औरत वहां पर तिलों को कूट कूट कर जो काला काला छिलका है उसको उतार कर सफेद तिल वहां बना के बेचा करती थी। जो राजकुमार था उसने तिल देखे और मुट्ठी भर उठाए और मुंह में फांके आधे बिखेरे और चला गया। बुढ़िया ने देखा और बच्चे की बात को यह समझ गया कि बच्चा है कोई बात नहीं उसने आया गया कर दिया। अगले दिन फिर उसने मुट्ठी भर तिल उठाए फिर फांके तीन चार बार जब ये बात हो गई तो उस बुढ़िया ने जो आचार्यों थे जो टीचर थे जो प्रोफेसर थे जो वहां पढ़ा रहे थे अध्यापक थे उनसे कहा कि ये जो लड़का है ये कई बार मेरे साथ ऐसा कर चुका है इसने मेरा बड़ा नुकसान किया है। तो जो आचार्यों थे उन्होंने कहा कि मैं आपका नुकसान दिला दूंगा। बुढ़िया ने कहा कि नुकसान तो मुझे क्या चाहिए हाँ बच्चे को ऐसा सबक दे दीजिए कि ये आगे किसी के साथ ऐसा ना करे बस इतना ही काफी है। तो जो आचार्य थे उन्होंने उस बच्चे को बुलाया राजकुमार को बुलाया डांटा धमकाया और उसको छड़ी से उसके हाथ पे कुछ छड़ियां भी मार दी। राजकुमार को ये बात दिल पे लग गई कि वो राजा का बेटा राजकुमार और उसको दंड दिया गया उसको पिटाई की गई और ये बात उसने मन में रख ली और ये सोच गया कि जब उचित समय आएगा तो मैं इस आचार्य को इस टीचर को छोड़ूंगा नहीं। और ऐसे करके वो अपनी बात को मन में रख के शिक्षा को पूरी करता रहा और जब वो शिक्षा उसकी पूरी हो गई जब वो सीख गया शिक्षा हो गया तो उसने अपने आचार्यों से ये प्रॉमिस लिया कि आप मेरे बुलाने पे जो वाराणस है वहां जरूर आएंगे और आके मेरा आतिथ्य स्वीकार करेंगे मेरे यहाँ गेस्ट रहेंगे। क्योंकि आचार्यों तो सब जानते हैं और विपस्ना करते हैं भगवान बुद्ध के शिष्य रहे हैं सारे तो वो समझ गए कि ये किसने बुला रहा है इसके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं। उसने कहा ठीक है मैं आऊंगा। वहां जाके उसने इनविटेशन भिजवाया तो आचार्यों ने कहा सोचा मन में कि अभी राजकुमार तरुण है नया नया राजा बना है अभी इसका निमंत्रण स्वीकार नहीं करना चाहिए अभी ये कल से कच्चा है। तो उन्होंने मैसेज भिजवाया कि मैं अभी व्यस्त हूं कुछ समय बाद आऊंगा। जब वो राजकुमार यानी राजा जब 40-45 का हो गया थोड़ा परिपक्व हो गया तो उसने जो निमंत्रण भिजवाया था उसके आधार पे अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए वो जो आचार्य थे जो टीचर थे वो बनारस पहुंच गए। वहां जाके उन्होंने मैसेज कराया कि मैं तक्षशिला से आया हूं तक्षशिला का टीचर हूं और ऐसे ऐसे राजा ने मुझको इन्वाइट किया है। वहां खबर पहुंची वो जो राजा यानी जो राजकुमार राजा हो गया जो स्टूडेंट था वो बड़ा खुश हुआ कि अब मैं इससे बदला लूंगा अब मैं इसको ठोकूंगा इसने मुझे बहुत पीटा। और वो बुलाता है वहां पे उनकी सेवा करता है थोड़ी बहुत उसके बाद कहता है कि आपने मुझे पीटा और मैं अब आपका उसका बदला लूंगा और आपको ये दंड यानी मृत्यु दंड दिया जाता है। तो उस जो आचार्य है उसने ये कहा कि आप मुझे मृत्यु दंड दे देना वो तो कोई बात नहीं है मगर आप ये देखिए कि क्या
मेरे मारने से, मेरे सजा देने से आपको लाभ हुआ या नुकसान हुआ? तो उसने कहा, कैसे? अगर मैं आपको चोरी से उस समय ना रोकता तो अभी तक आप क्या कर रहे होते? तो उसने सोचा कि पहले दिन एक मुट्ठी चुराई, फिर दो मुट्ठी चुराई, फिर चार मुट्ठी, फिर औरों का चुराता, फिर बड़ा चोर बन जाता, फिर डकैत बन जाता, फिर पूरे देश को बेचता। तो उसने कहा, ये तो आपने बड़ा अच्छा किया कि मुझे रोका, और इससे तो मेरा देश बच गया, इससे तो मेरा राज्य बच गया, वरना तो मैं पापी हो जाता, चोर हो जाता अगर आप मुझे दंड ना देते। तो तब ये गाथा कही गई, जिसका अर्थ मैं आपको बताता हूं। क्या ये गाथा है जातक की, क्या उत्पन्न हुई, सुनिए। अरियो अनर्यंग कुबंतंग यो दंडेन निषेधति शासनंग तंग ने तंग वेरंग इति नंग पंडिता विदुति। अरियो अनर्यंग कुबंतंग, अरियो माने जो अच्छे लोग होते हैं, और अनर्यंग माने जो खराब काम को कुबंतंग करते हैं, यानी जो अच्छे लोग होते हैं वो खराब करने वाले को यो दंडेन, यो माने जो, दंडेन माने दंड से, निषेधति, निषेधति का मतलब साधते हैं, सीधा करते हैं। शासनंग तंग, शासनंग तंग का मतलब है शिक्षा को, उस शिक्षा को, ने माने नहीं, तंग माने उसको वैरंग, यानी वह उस शिक्षा को जो निषेधित है, जो दंड दिया है, वैर नहीं करते, बुरा नहीं मानते। इति नंग पंडिता विदुति, ऐसा उन पंडितों ने बताया है या कहते हैं, यानी जो जानकार हैं वो ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं जानकार? जानकार ये कहते हैं कि अगर किसी को दंड से कोई बुरा काम करते हुए कोई अच्छा व्यक्ति रोकता है, ठीक करता है, तो ऐसे दंड को अच्छा दंड कहते हैं, इससे वैर नहीं करते। जानकार लोग, ज्ञानी लोग कहते हैं कि इससे आपको नुकसान नहीं है। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि आपके फायदे के लिए अगर आपको कोई कठोरता से कुछ कह रहा है, या आपको समझाने के लिए, आपके नुकसान को बचाने के लिए आपको कठोरता से, या आपको कोई रोक रहा है, तो इसमें वैर नहीं रखना चाहिए, बुराई नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये लाभ के लिए क्या है। जानकार लोग ऐसा कहते हैं। बच्चा अगर दीवार से मिट्टी निकालकर खा रहा है तो माँ उसके दो थप्पड़ लगाती है, तो माँ से बच्चा वैर नहीं करता। अब तो उसको पता नहीं, मगर बाद में कहता, अच्छा किया तूने, वरना मेरे पेट में कीड़े और हो जाते। अगर कोई सांप जा रहा है और बच्चा उस सांप की तरफ दौड़े तो उसको खींच के ले आते हैं, चाहे बच्चा कितना ही भागे, चाहे कितना ही रोए, ना सांप उसको डस लेगा, मार लेगा, तो कहते हैं अच्छा किया। कोई बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा है और उसके अगर दो चार लगा दिए जाए, या उसको खाना ना दिया जाए, या उसको कुछ कहा जाए, या डांट फटकार की जाए, तो माँ बाप उसके अच्छे के लिए कहते हैं। जब बच्चा पढ़ जाता है तो कहता है कि आपने बहुत अच्छा किया। और जो लोग डांटते फटकारते नहीं उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं, तो कहते हैं तुमने मुझे डांटा फटकारा होता तो मैं भी आप आज कहीं कुछ कामयाब बन गया होता। इसलिए डांटना फटकारना जिसको सिखाते हैं उसके लिए अच्छा है, अगर वो अच्छे काम के लिए किया जा रहा है, उसके लिए वैर नहीं होता। ये इस पूरी जातक कथा का कितना गहन मतलब है, अपने बच्चों को ठीक करने के लिए, साधने के लिए, कि अगर वो गलत राह पे जा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो आप साम दाम दंड भेद छल कपट जो भी आपने इस्तेमाल करना है उसके भविष्य के लिए इस्तेमाल करके उसको उस समय रोकना चाहिए। कितनी भी कठोरता करें, कितनी भी कटुता करें, उसको करना चाहिए। और अगर कठोरता से नहीं आप उसे दबाएंगे तो वो बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, फिर आपके हाथ से निकल जाएगा। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने माफी मांगी। माफी मांगने के बाद उन्होंने कहा कि मैं आपसे प्रसन्न हूं, मुझे क्षमा करें, बताइए मैं क्या करूं। वो जो टीचर थे उन्होंने कहा कि आप मथुरा के अंदर एक बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी यहाँ बनवाइए, और मथुरा के अंदर बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी तक्षला जैसी बनवाई गई। ऐसा कथा में है, कोई तथ्य ऐसा है या नहीं है, क्योंकि कथा तो कथा है, जैसे चाहें वैसे इसको जोड़ सकते हैं। ऐसे ही ये कथा समाप्त होती है। धन्यवाद। 322 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने पोर्टल पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर, या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहाँ से डाउनलोड कर 322 से, या फेसबुक से, या मेरे पेज से, कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं, या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं,
आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदल कर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहें वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना, सभी देने में यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। Singam Sirunam Gacchami.